सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। सो वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक होगा हमारा टॉप 6 कॉमन बिगनर मिस्टेक्स, यानी छोटी छोटी ऐसी गलतियां जो हमारे बिगनर्स एथलीट्स करते हैं उनके वर्कआउट के दौरान, जो कि नहीं होनी चाहिए यदि उन्हें अपने गोल्स अचीव करने हैं। ये गलतियां मैं खुद से नहीं बता रहा, ये मैंने होते हुए देखा है अपने सराउंडिंग्स, अपने नियर बाई जिम्स में। तो इस वीडियो को बनाने का एक मेरा शॉर्ट सा मैसेज ये है, जो हमारे बिगनर्स एथलीट्स हैं, अपकमिंग लेवल एथलीट्स हैं, वो इस वीडियो को देखें और अपनी जो भी गलतियां हैं उन पर काम करें और अपने वर्कआउट को अच्छे से परफॉर्म करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यानी वर्कआउट परफॉर्म करते हुए चाहे वो डंबल से हो, चाहे रोड से हो, चाहे वो हैंगो के चिन अप हो, इसमें छोटी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी ग्रिपिंग स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रॉन्ग है। जितनी ज़्यादा हमारी ग्रिपिंग स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी उतने ही ज़्यादा हम नंबर ऑफ रेपिटेशन कर पाएंगे ड्यूरिंग द सेट। तो इसमें एक शॉर्ट सा मैसेज मेरे लिए ट्रेनर्स के लिए है, जिसमें कि वो डंबल्स उठाकर अपने क्लाइंट्स को देते हैं और वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद, सेट कंप्लीट होने के बाद वापस उनसे लेकर रखते हैं। ये वो ना करें, इसमें कहीं ना कहीं गलती करने वाले की ही है, जिसमें कि बिगिनर्स को खुद अपने डंबल उठाकर, चाहे वो उसे फ्लोर पर रखे, चाहे वो वर्कआउट परफॉर्म करें और वापस उसको रीरैक करें, जिसमें कि उनकी ग्रिपिंग स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी और वो बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, नंबर ऑफ सेट्स ज्यादा लगा पाएंगे। तो इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको और देना चाहता हूं, वो है बेंच प्रेस। आइए देखते हैं। वाइल ड्यूरिंग द बेंच प्रेस हमें अपनी ग्रिपिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने वेट को उतार कर रखकर, वाइल परफॉर्मिंग द सेट्स उठाकर अपने वेट को बार में डालना है, जिससे कि हमारी ग्रिपिंग स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग रहे निकालते वक्त भी और बार में वेट डालते वक्त भी। इसमें हमारे बहुत से फायदे हैं। वाइल परफॉर्मिंग एनी सेट्स हमारी ग्रिपिंग स्ट्रेंथ जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही हम अच्छा परफॉर्मेंस अपने वर्कआउट में कर पाएंगे। तो थर्ड मिस्टेक होगी हमारी लिफ्टिंग वेट विद नो कमांड, इट मीन्स ईगो लिफ्टिंग। वाइल परफॉर्मिंग और डूइंग एनी एक्टिविटी, तो बिगनर्स जो होते हैं हमारे इतना वेट भर लेते हैं और सेट को अनप्रॉपर वे में करते हैं, वो मसल स्ट्रेन तो होगा ही होगा और साथ के साथ नुकसान उसका ये है, उस सेट का कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वाइल ट्रेनिंग बाइसेप्स आपको लोड इतना रखना होगा कि आप वेट को अच्छे से कमांड कर पाए, ये नहीं कि वेट आपको कमांड करे। तो आपकी जो एक्टिविटी होगी उसका बेनिफिट क्या होगा, आपकी जो मसल है अच्छे से डेवलप हो पाएगी
आपके जॉइंट्स सेफ रहेंगे और आपकी मसल कनेक्टिविटी अच्छी होगी। तो कहने का मतलब छोटा सा ये है, यदि कोई बिगिनर कंपेयर कर रहा है खुद को ट्रेनर से या फिर इंटरमीडिएट लेवल एथलीट से और ज़्यादा लिफ्ट कर रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसको वेट लिफ्ट अपने कैपेसिटी अपने लेवल अनुसार उठाना चाहिए और उसको लिफ्ट अच्छे से अच्छा बेटर बनाने के लिए अपनी कमांड वेट पे अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि उसका पार्टनर या कोई ट्रेनर लिफ्ट अप कर रहा है 10 से 20 किलो और उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है तो उसे उस वेट पर नहीं जाना चाहिए। एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अनुसार ही आपकी वेट कैपेसिटी इंक्रीज होगी जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट भी कर पाओगे, बट टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आप अपनी बॉडी की कमांड वेट पर अच्छी रखें, ना कि वेट ज़्यादा लिफ्ट करें। तो इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें बिगनर एथलीट्स। तो आइए बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक की, जो है बिग लिफ्ट, यानी बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट और स्क्वाट। बेसिकली ये मैं मानता हूँ जो हमारे बिगनर्स एथलीट होते हैं उनकी स्ट्रेंथ ओवरऑल इतनी नहीं होती और वो कहीं ना कहीं अपना कंफर्ट जोन फाइंड आउट करके ज़्यादा से ज़्यादा बाइसेप ट्रेन करते हैं, ट्राइसेप ट्रेन करते हैं और लेग्स के लिए लेग एक्सटेंशन कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनको ये बिग लिफ्ट्स अपने वर्कआउट रूटीन से मिस नहीं करनी चाहिए, जो है हमारी डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस और स्क्वाट। एटलीस्ट उनको एक बार ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए वीक में, जिससे कि उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, ओवरऑल स्ट्रेंथ उनकी इंक्रीज होगी। तो इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने के बाद आपके मल्टीपल जॉइंट्स काम करते हैं, मल्टीपल मसल्स काम करती हैं और आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो इन तीनों एक्सरसाइजेस को इग्नोर ना करें, ये तीनों एक्सरसाइज आपकी ओवरऑल एक्सरसाइजेस में हेल्प करती हैं, उनको ईजी बनाती हैं। तो वाइल परफॉर्मिंग दीज एक्सरसाइजेस, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, स्क्वाट, एक चीज़ का ध्यान रखें, वेट आपकी कमांड में होना चाहिए और आपका जो बॉडी पोस्चर है, जो बॉडी फॉर्म होनी चाहिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, एकदम करेक्ट फॉर्म में होनी चाहिए और इन चीज़ों को मिस ना करें। तो आइए बात करते हैं फिफ्थ मिस्टेक की, जो कि थोड़ी फनी होगी। मैंने अपने काफ़ी बिगिनर्स भाइयों को देखा है, वो रोड साइड से बनाना खरीदते हैं और जिम में एंटर करते हुए खाते हुए आते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक उनकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी होगी तब तक वो फूड डाइजेस्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है, वी शुड प्री प्लान बिफोर वर्कआउट, इट मीन्स प्री वर्कआउट मील। आप चाहे बनाना लें चाहे ओट्स लें, आपको वर्कआउट से एक घंटा पहले इंटेक करना होगा बॉडी में, जिससे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और उसके इंग्रेडिएंट्स आपको पावर दें, जिससे कि आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाओ वर्कआउट में। तो प्री प्लानिंग एक ऐसी मिस्टेक है जो कि बिगनर्स नहीं करते, उनको इस चीज़ पर ध्यान दे के वर्कआउट से एक घंटा पहले प्री प्लान करके अपने वर्कआउट मील लेनी होगी, जिससे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और अच्छे से वर्कआउट में बेनिफिट दे। तो आइए चलिए बात करते हैं सिक्स्थ मिस्टेक की, जो कि है लैक ऑफ फोकस, यानी लेजी ट्रेनिंग। मैंने काफ़ी सारी जिमों में काफ़ी लोगों को देखा है, उनके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं, किसी को वेट गेन करना है, किसी को वेट लूज करना है, किसी को स्ट्रेंथनिंग करनी है, किसी को एंड्योरेंस इंक्रीज करना है। तो उन सब चीज़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो है फोकस। यानी जब आप ट्रेन कर रहे हो किसी भी पर्पज़ के लिए, तो आप लेजी कैसे हो सकते हो? तो मैंने काफ़ी सारी जिमों में देखा है, लड़के और लड़कियां एक सेट कंप्लीट होने के बाद फ़ोन में व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। उनका फोकस एट दैट टाइम पर्टिकुलर सेट्स पर होना चाहिए, उनके वर्कआउट पर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, जब आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो आपका टोटली फोकस आपके गोल पर, आपके वर्कआउट पर होना चाहिए, ना कि फ़ोन में या इधर उधर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने कुछ छोटी गलतियां आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जो कि हमारे बिगनर्स भाई लोग करते हैं। आई होप वो इन गलतियों को ना करें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर।